कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में फिलहाल कितने बजे सुनवाई होगी, कितना वक्त और इंतजार करना होगा, इस सुनवाई में क्या कुछ होता है? बिल्कुल, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का जो विवाद चला रहा है उसकी सुनवाई होगी, जिसमें करीबन 11:30 बजे ये सुनवाई कोर्ट में शुरू होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की ये बेंच होगी जिसमें ये पूरी सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली जो तारीख थी उसमें काफी मुस्लिम पक्ष जो था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, उसमें कुल मिला के 18 जो केसेस है उन सभी को एक क्लब करके उसमें सुनवाई हो रही है, जिसमें से अब 2 केसेस जो है वो बचे हुए थे जो पिछली तारीख में नहीं सुनवाई हुए थे, आज उन दोनों केसेस की सुनवाई होगी। ये पूरा मामला पोषणीयता को लेके है, जो मूल वाद है जिसका विवाद चला रहा है कि जैसे हिंदू पक्ष का कहना है वो जमीन हमारी है और वही मुस्लिम पक्ष का कहना है ये समझौते के साथ हमको मिली हुई है, तो उसी को लेकर ये पूरा जो मामला चला आ रहा है उसी को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है मयंक कुमार जैन उन्हीं की बेंच में होगी। तो आज का दिन हो सकता है फैसला भी आ जाए, तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या आज फैसला होता है या आज सुनवाई में कुछ कमी रह जाती है तो अगली तारीख लगती है, तो देखना होगा कि आज का दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में क्या रुख होता है, इसकी फैसला आता है। तो आज सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हैं। और बिल्कुल अमित, मैं चाहूंगी एक बार दर्शकों को आप जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि इस केस में कब कब क्या 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 चीजें हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए मामला ये है 1968 में एक समझौते के तहत जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो जमीन है हमको मिली थी और उसी पे ये शाही ईदगाह जो है वो बनाया गया है, वही जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है ये गलत तरीके से ये जमीन को हथियाया गया है, ये हमारी जमीन है और इसको हमें वापस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो निशान है वो और जो पूजा अर्चन होती है वहां पे वो सभी अभी भी लगातार जारी है और चलती रहती है समय समय पे, तो वो जो जिसमें रोक आए दिन ये विवाद करते हैं रोक लगाते हैं, तो वो मामले को लेकर पहले तो कचहरी में चल रहा था वहां जिला न्यायालय में मथुरा में, उसके बाद मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे जो कुल 18 केसेस थे इसी विवाद को लेकर उन सबको एक साथ उन्होंने कहा कि इसकी पूरी सभी केसेस को वहां से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को बुलवा लिया, उसके बाद लगातार सुनवाई हो। पिछली एक और जो जनवरी में जब एक ऑर्डर हो गया था कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रूल 7 to 11 के तहत जो है ये पोषणीयता को लेकर जो मामला है उसके इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष जो था वो यहाँ पे आके इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है वो उसने रिट दाखिल करके पोषणीयता को मामले को उठाया, तो जिससे अब वो सुनवाई चल रही है। लगातार जो सुनवाई का दौर है दोनों पक्ष की तरफ से वो लगातार जारी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की जो बेंच है उसमें सुनवाई चल रही है। ठीक है, चलिए अपनी नजर अमित बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए